सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में काफी सारे न्यूज है इंडस गेम की तरफ से, कॉम्बैट मास्टर की तरफ से एंड वैलोरेंट मोबाइल की तरफ से। सो इंडस की तरफ से तो कई सारे रिवील्स हो रहे हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे एंड और भी कई सारे न्यू रिवील्स होने वाले हैं। सो आज के वीडियो में आप लोग को इंडस की काफी सारे न्यू डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी। सो अगर आप लोगों में से कोई चैनल में न्यू है एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई यहाँ पर चैम्बूर मुंबई के नियर रहता हो तो प्लीज मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे डीएम कर सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से .9 गेम्स को एज अ जूनियर गेम डेवलपर ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सो अगर आप में से कोई भी हो तो वो यहाँ पर मुझे डीएम कर सकता है। सो इंडस गेम की तरफ से हम लोग को कई सारे रिवील्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सो गेम टेस्टिंग, एनिमेशन, इमोट्स एंड और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिल रही हैं। एंड हम लोगों को यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह के भी कई सारे क्लिप्स देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ गेम प्ले के क्लिप्स हैं, ट्रेनिंग मोड के हैं एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड इसमें हम लोगों को यहाँ पर गेम लॉबी के कुछ अर्ली एक्सप्लोरेशन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड भी देखने के लिए मिल रहा है एंड ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों तरफ आप लोगों को यहाँ पर ब्लू बॉक्स भी देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब आप लोग इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। एंड इसके अंदर आप लोग यहाँ पर शूटिंग रेंज भी देख सकते हैं कि शूटिंग रेंज यहाँ पर किस टाइप की है। एंड इसके अंदर आप लोग यहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं एंड यहाँ पर कुछ और भी चेंजमेंट होंगे फाइनल गेम में। यहाँ पर अर्ली एक्सप्लोरेशन आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं एंड डिस्कॉर्ड में यहाँ पर सारे डेवलपर्स कुछ ना कुछ हम लोग को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर यूआई, गेम, एनिमेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। प्ले टेस्ट की भी यहाँ पर कुछ फुटेजेस वगैरह, जो लेट नाइट प्ले टेस्ट चल रहे हैं एंड यहाँ पर जो एक्चुअल गेम प्ले वगैरह है वो भी दिखाया जा रहा है। एंड ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अभी रिसेंट कम्युनिटी प्ले टेस्ट हुआ था उसका गेम प्ले है एंड उसमें गेम यहाँ पर काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड मेरे फ्रेंड ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था रिसेंट प्ले टेस्ट के अंदर, तो उसको भी यहाँ पर गेम पसंद आया, लेकिन उसने भी कहा कि अभी छोटे मोटे चेंजेस की और जरूरत है। तो थोड़े बहुत और चेंजेस हम लोग को फाइनल अभी एक और प्ले टेस्ट होगा दिल्ली में बेसिकली हो सकता है नेक्स्ट यहाँ पर मंथ में। एंड डेवलपर्स ने भी कहा है कि वो दिसंबर मंथ में गेम में जो और यहाँ पर फीडबैक उन्हें मिले हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड डेवलपर्स ने ये भी कहा है कि गेम के ऑप्टिमाइजेशन पे वो और भी वर्क करेंगे। एंड अभी रिसेंटली जो Q&A हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि गेम का साइज जो है वो नियर अबाउट 500 MB रहने वाला है। सो इजिली यहाँ पर गेम जो है वो लो एंड डिवाइसेस में भी चलेगा। सो अगर आप लोगों के पास 3-4 GB रैम है एंड डिसेंट प्रोसेसर भी है ना, तब भी गेम आप लोगों को इसमें आराम से चलेगा। सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंडस के जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो हम लोगों को एंड ऑफ दिसंबर तक देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इंडस का जो यहाँ पर इससे पहले ट्रेलर आया था उसके लास्ट में मेंशन किया गया था कि गेम के जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो इस ईयर के एंड तक स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी तो सिर्फ 15 डेज रह गए हैं, देखते हैं क्या होगा। एंड एक और गुड न्यूज है वो मेरे लिए है, मेरे यहाँ पर इंडस की जो लिमिटेड एडिशन वाली मर्च है वो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। सो मैं वो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। एंड आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि अभी तक आप लोगों को जितना भी गेम प्ले वगैरह देखने के लिए मिला, गेम के ग्राफिक्स जो देखने के लिए मिले, वो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसे लगे। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कॉम्बैट मास्टर गेम के बारे में। सो इससे रिलेटेड भी काफी सारी न्यू अपडेट्स आ रही हैं। इसका फाइनली एक न्यू अपडेट आने वाला है जिसमें हम लोग को बैटल रॉयल मोड और कई सारे न्यू चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग को कई सारे न्यू रिवील्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं कॉम्बैट मास्टर से भी। सो गेम के अंदर यहाँ पर कुछ न्यू वेपन्स वगैरह भी ऐड करे जाएंगे एंड गेम के अंदर एक न्यू ट्रेनिंग मोड भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। बैटल रॉयल तो है ही है, बैटल रॉयल के अंदर हम लोग को जिप लाइन वाला सिस्टम भी देखने के लिए मिल सकता है जैसा कि हम लोग को फ्री फायर में देखने के लिए मिलता है। एंड कुछ न्यू मैप्स वगैरह को भी ऐड करा गया है एंड इस बार हम लोग को यहाँ पर बैटल पास भी देखने के लिए मिलेगा जो कि यहाँ पर 100 tiers तक जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को पबजी में देखने के लिए मिलता है। एंड इस बार के अपडेट में यहाँ पर कुछ न्यू मोड्स एंड कुछ न्यू मैप्स भी ऐड करे गए हैं। एंड कल यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो गेम का साइज होगा अब वो यहाँ पर 520 MB हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर जिनके भी पास लो एंड डिवाइसेज है वो भी इस गेम को खेल पाएंगे और जितने भी लोग यहाँ पर वॉर जोन का मजा नहीं ले पा रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर अपने लो एंड डिवाइसेस में इस गेम को खेल करके वॉर जोन का मजा ले पाएंगे, क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा सिमिलर है वॉर जोन मोबाइल से। एंड अब तो इसमें यहाँ पर बैटल रॉयल मोड भी आ रहा है। सो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम लोग को इसका नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें हम लोग को बैटल रॉयल मोड एंड और भी कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग वैलोरेंट मोबाइल के बारे में। तो वैलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ न्यूज निकल करके आई है एंड एक यहाँ पर गेमिंग क्रिएटर है इमाओ, उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि आप लोग एक्साइटेड है 2023 में यहाँ पर वैलोरेंट मोबाइल खेलने के लिए। एंड यहाँ पर कुछ ही देर में उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पूछा कि आप लोगों को क्या चीज एक्साइट करती है गेम को खेलने के लिए। सो उसके नीचे यहाँ पर डेव सिन ने भी यहाँ पर एक कमेंट किया है जिसमें आप लोग आइस की इमोजी देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये कौन है तो ये यहाँ पर वैलोरेंट मोबाइल के ही
गेम प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि जो वैलोरेंट मोबाइल है उसके यहाँ पर जो सबसे लीड मेंबर हैं वो उनमें से यहाँ पर ये एक है। सो हाईली चांसेस है कि हम लोग को 2023 में जो है वैलोरेंट मोबाइल देखने के लिए मिलेगा। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसके कई सारे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। एंड अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर जो हाइपर फ्रेंड गेम आया था, जो वैलोरेंट की कॉपी थी मोबाइल के लिए नेटीज की तरफ से, उस पे भी यहाँ पर जो है वैलोरेंट की तरफ से सू कर दिया गया है। सो फाइनली हम लोग को नेक्स्ट ईयर जो है वो वैलोरेंट मोबाइल खेलने के लिए मिलेगा। एंड अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकल के आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।